द बुलेटिन। भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हराया। न्यूजीलैंड के माउंट मोनगनुई के बे ओवल मैदान पर खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने कीवी टीम को 65 रन से हरा दिया है। इसी के साथ 3 मैच के सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई। उन्होंने 51 बॉल में 111 रन की नाबाद पारी खेली। सूर्या ने इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल शतक लगाया था। उनके अलावा सबसे ज्यादा 36 रन ईशान किशन ने बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड 126 रन पर ऑल आउट हो गई। सबसे ज्यादा 4 विकेट दीपक हुड्डा ने लिए। वहीं युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को 2-2 सफलताएं मिली। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान विलियमसन ने 52 बॉल पर 61 रन बनाए। इसी के साथ ही भारतीय पारी की आखिरी ओवर में टीम साउदी ने हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर को आउट कर हैट्रिक भी पूरी की। यह उनके T20 करियर की दूसरी हैट्रिक है। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यह कारनामा किया था। वर्ल्ड कप में खराब ओपनिंग बल्लेबाजी के कारण आलोचना झेल रही भारतीय टीम को दूसरे मुकाबले में फिर निराशा देखने को मिली। टीम इंडिया ने इस मैच में ऋषभ पंत और ईशान किशन को ओपनिंग करने भेजा, लेकिन दोनों कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। पंत 13 गेंद पर 6 रन बनाकर लोकी फर्ग्यूसन की गेंद पर आउट हुए। वहीं ईशान ने 31 बॉल तो खेली पर उनके बल्ले से सिर्फ 36 रन निकले। इसके साथ ही ऋषभ पंत और ईशान किशन सीनियर टीम के लिए पहली बार पारी की शुरुआत करने आए। हालांकि ये दोनों अंडर 90 लेवल पर पहले सीधा 7 ओपनिंग कर चुके हैं। 2016 अंडर 90 वर्ल्ड कप में भी दोनों ओपनर थे। उस वर्ल्ड कप में भारत रनर अप रहा था। खास खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मरुधा बुलेटिन। तब तक के लिए नमस्कार।